फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पफ स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो वीडियो के नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी का बटन है, उस पर उसको जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल कटिंग करेंगे स्लीव्स की। अब निशान लाएंगे अभी लेंथ का हम। तो देखिए, मुझे स्लीव्स की लेंथ चाहिए 4.5 इंच तैयार चाहिए मुझे। 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूंगी इससे, तो मैं 5.5 में निशान लगा लूंगी। आपको जितनी तैयार लेंथ है उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले। तो सीधा कर लेंगे। इसमें मैं कोई चेंज नहीं करना है, सिंपल जिस तरह कटिंग होती है उसी तरह से करनी है हमें। यहाँ से निशान लगाएंगे करीब 3 इंच पर। यहाँ से हम शेप देंगे स्लीव्स की। देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे मोरी का। तो मोरी देखिए जैसे हमारी 6 इंच है, निशान लगा लेंगे। और एक निशान हम और लगाएंगे करीब 1 से 1.5 इंच पर, इस तरह से इसे मिला लेंगे। फिर से हम कटिंग कर देंगे। जैसे आपको लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, बस ये देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा लिया है स्लीव्स बनाने के लिए। तो देखिए इसको हमने इस तरह से डबल कर लिया है। देखिए पहले हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे करीब इस तरह से 3.5 इंच पर। ये आप 4 भी ले सकते हैं, मैंने 3.5 इंच लिया है। इसे सीधा कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है पफ वाली स्लीव्स बनाने का। ये देखिए मैं ये 3.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब इसके बाद हम जो हमने स्लीव देखिए कट की है अपनी, इसे हम इस तरह से रखेंगे। देखिए इस निशान पे यहाँ से देखिए इसको इसके बराबर कर लेंगे और निशान लगा लेंगे जो हमारी शेप है बिल्कुल इसके बराबर। देखिए इस तरह से बस हमें ये 3.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, इसमें हमारी प्लेट्स आएंगी बस, और हमें कुछ नहीं करना है। अब कट कर लेंगे। देखिए कट कर लिया। अब देखिए जो हमारा निशान है यहाँ हम कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से, और एक यहाँ कट लगा लेंगे हम। ये देखिए यहाँ भी निशान लगा लेंगे। ये हमने कट भी लगा लिया, निशान भी लगा लिया हमने। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। देखिए फ्रेंड, ये निशान जो हमें लगाया है इसके हम इस तरह से करके 1-1 इंच पर निशान और लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से यहाँ भी हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस तरफ भी। निशान लगा लिए हमने। अब देखिए प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। हम देखिए इस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये मैंने सुई ली है, इस सुई की हेल्प से देखिए आप प्लेट डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से आपकी प्लेट डल जाएगी।
से आपको छोटी छोटी प्लेट डालनी है। इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से ऊपर तरफ प्लेट डालनी है। अब हमें नीचे तरफ डालनी है, तो इसको देखिए इस तरह से करेंगे। और यहाँ से देखिए इस तरह से रखेंगे, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट की थी सेम उसी तरह से हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। ये इस तरह से और इस तरह से सुई की हेल्प से देखिए हम इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दोनों तरफ देखिए, ये देखिए प्लेट डाल ली हमने, ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था उसी में हमने देखिए प्लेट डाल ली है। और बाकी देखिए हमारे स्लीव्स इस तरह से ही है। और देखिए यहाँ हम पट्टी लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से एक पट्टी कट की हुई है, इस तरह से देखिए मैंने 2 इंच लिया हुआ है। और लेंथ मैंने जितनी हमारे स्लीव्स की नीचे मोरी है उतनी ली है। देखिए और इसे हम अटैच करेंगे। तो देखिए हम स्लीव्स को इस तरह से उल्टा करेंगे और ये उल्टी तरफ हमें अटैच करनी है। तो इस देखिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे एक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसे हम इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे कपड़े को। जो सिलाई में देखिए लगाई है उसी सिलाई के ऊपर रख कर देखिए इस तरह से हमने यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आ जाएगी हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमें देखिए यहाँ ये पट्टी अटैच कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फिटिंग की देखिए सिलाई लगा ली है और ये हमारे सीधे स्लीव्स तैयार है। ये देखिए हमारे कितने अच्छी तरह से देखिए ये प्लेट्स आई है और देखिए हमारा पफ बन गया है। देखिए आपको ज़्यादा प्लेट डालनी है तो जो हमने 3.5 इंच कपड़ा लिया है उसे आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उतने में आप आपकी प्लेट देखिए ज़्यादा आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है ये पफ वाले स्लीव बनाना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।